हाय दोस्तों, मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल है और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक नोट 5 प्रो है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फ़ोन हमारा ही हमारे एक में से ही है और इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें ईयर पीस में आवाज़ नहीं आती है जब कॉलिंग करते हैं तो। और जो इसका एयरफोन है, जो इसका एयरफोन लगता है वो भी इसका वर्क नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इसमें जो इसकी लाइन हमने चेक की है पूरा फॉल्ट, और इसमें लीकेज, मुझे लग रहा है इसमें मैंने लीकेज पाया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो फॉल्ट है ये, क्योंकि इस पर रीडिंग आ रही है और जो इम्पीडेंस है वो हमें मिल रहा है और टिप्स इसकी सही है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। और इसकी डायरेक्ट जो आईसी है वो कहीं ना कहीं इस पर वोल्टेज नहीं बना रही है। तो इसके आईसी पर वर्क करते हैं तो इसकी मेन आईसी जो है रिसीवर की, वो होती है पावर आईसी, क्योंकि रिसीवर ऑडियो आईसी में लगा होता है। और नोट 5 प्रो में ऑडियो आईसी अलग से नहीं लगी है, इसमें पावर आईसी लगाई गई है। अच्छा, इस पीसीबी का, जैसे कि आप यहाँ पे पीसीबी देख पा रहे होंगे, इस पीसीबी का मैं पूरा आपको आईसी वाइज एक वीडियो बनाऊंगा और ये डालूंगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा कि इस पीसीबी में कौन कौन सी आईसियाँ लगी होती हैं। सारी आईसीओ के नाम तो नहीं, बट हाँ, इनके वर्किंग में ज़रूर बता दूंगा सेक्शन वाइज। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। कि स्क्रीन आपको अलग से दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, और वो स्क्रीन मेरी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन है। तो सबसे पहले आईसी निकालते हैं, नो डाउट। तो डायरेक्ट आईसी पर काम नहीं करना चाहिए। टेक्नीशियंस जो भी सुन रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमेशा सबसे पहले शुरुआती आपको सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना सर्किट डायग्राम के आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत है। बिना सर्किट डायग्राम के भी काम किया जा सकता है, क्योंकि सप्लाई का नॉलेज अगर आपको मिल जाएगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई आपको, देखो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं एक फ़ोन की सप्लाई बता दूंगा तो आप सारे फ़ोन की सप्लाई, आपको हम सप्लाई के एक किसी भी फ़ोन की नहीं बताए, हम आपको सप्लाई ट्रेस करना आपको सिखाते हैं और उस सप्लाई में क्या क्या आपको मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हर फ़ोन में आपको, या कहीं पे भी आप हो, लैपटॉप में हो या कंप्यूटर या किसी में भी हो, आप उसको आसानी से आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें उसको कर सकते हैं आप। तो एक स्क्रीन और अलग से मुझे इसमें चलानी है और वो मैं चला देता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो ये इसमें जो आप आईसी देख रहे हैं वो है PM660, जो प्राइमरी आईसी है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ, दो आईसी लगी हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। और यहाँ कंफ्यूज करने की एक बात है कि यहाँ पे PM और PMI नहीं है। तो जनरली लोगों को लगता है जो सेकेंडरी आईसी पे PMI लिखा होता है। देखो, अगर मैं सेकेंडरी आईसी आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो आप यहाँ से सेकेंडरी आईसी ये देखिए, ये सेकेंडरी आईसी है। तो आप इसको नंबर पढ़ पा रहे होंगे, इसका नंबर क्या है, तो L है एक्चुअली आखिरी में, तो PM660L। तो यहाँ पर L आप पढ़ पा रहे होंगे। हाँ, हम इसको बोल सकते हैं हम सेकेंडरी आईसी, आई भी होता तो हम बोल लेते हैं। हाँ, वर्डिंग पे हम जा सकते हैं, बट इसकी पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इसका नंबर भी नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ देख बता सकते हैं कि कौन सी आईसी प्राइमरी है और कौन सी आईसी सेकेंडरी है। तो ये सर्किट के नॉलेज के साथ में जो पीसीबी के कंपोनेंट का नॉलेज होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप जाके आप समझिए कि आप एक अच्छे लेवल पर काम कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि मैं इसकी पावर आईसी क्यों चेंज कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि इसका ईयर पीस चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई पावर आईसी या कोई स्क्रैप नहीं है, नहीं तो मैं वही लगाता। और अगर रिवॉल्व करने से कुछ नहीं होता है तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी रिवॉल्विंग केस देख लेते हैं, और अगर रिवॉल्विंग करने के बाद में मान लीजिए कुछ नहीं होता है तो इसको मैं आईसी, अभी मेरे पास है नहीं है तो मैं इसको आईसी मंगवाऊंगा, और जैसे ही मेरे पास आएगी तो फिर मैं चेंजिंग का एक जरूर वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए देखिए, शुरू करें। तो हम यहाँ पर एक हमारा ये केस हो जाएगा कि हमने पावर आईसी निकाली और निकाल के इसको रिवॉल्व करके लगाई, तो उसका सेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि पावर आईसी पे काम करने पर सेट उनका डैड ना हो जाए, पीसीबी भी हॉट ना हो जाए, क्योंकि पीछे सीपीयू हो सकता है, इसके पीछे ईएमसी हो सकती है, तो वो सारी केसेस हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आईसी निकाल देता हूँ। कैमरे को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। PM660 अब मोबाइल में लगा के देखें कि है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं सच बताऊं मैं इसको स्पीड में भी चला सकता था दिखाने के लिए। लोग यही करते हैं, आपको आप लोगों को लगता है कि आप काम 5 मिनट में, पर वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में चलाते हैं। मैं भी चलाया, बीच में मैंने चलाया है, हालांकि आपने देखा होगा। और अगर ये आईसी नहीं लगी, अगर ये आईसी अगर ये चालू नहीं होता है, तो ये है कि आईसी सही तरीके से नहीं बैठी है, तो फिर से निकाल के रिबॉल करके लगाएंगे। उस आईसी रिबॉलिंग के टाइम पे आईसी ओवरहीटेड के रिबॉलिंग के टाइम पे आईसी ख़राब भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। जनरली ये कई बार स्टेंसिल इसलिए अच्छी ली जाती है क्योंकि वो हीट प्रोटेक्शन भी होती है। आप समझिए डायरेक्ट हीट उस आईसी पर कितनी पड़ रही है, और वो जो स्टेनलेस स्टील की जो होती है उसकी कितनी पतली है, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाती है, वो भी आईसी को गर्म करती है। तो लग गई है आईसी, अब जो भी है आपके सामने है लाइव। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए पहला तो हमारा ये मकसद है कि फोन मेरा चालू हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हालांकि होना तो चाहिए। और फिर मैं अपना ईयर पीस भी चेक करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और अब मैं इसको मैंने यहाँ पे तीनों केबल लगा ली हैं इसकी, और अब मैं इसकी पावर की चेक करने वाला हूँ।
देखिए फोन ऑन हो चुका है, इसका मतलब पहली चीज़ हमें पावर एसी बिल्कुल सही लगी है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि अच्छे से काम करो और आराम से काम करो, जल्दबाजी किस बात की है, मास्टर बन जाओगे, मास्टर भी बन जाओगे तो भी आराम से काम करो, कहीं भागे तो नहीं आ रहे। देखिए हमारा एंड्रॉयड आ चुका है, अब इसमें हम चार्जिंग केबल लगा लेते हैं क्योंकि इसमें बैटरी पहले भी कम थी, और सबसे मेन बात हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो ये भी बना सकता था कि पावर आईसी चेन, पावर आईसी रिवॉल्व करके लगा कर, क्या ठीक है कोई, तो यहाँ पर मैंने नोट 5 प्रो की पावर आईसी लगाई है, बैटरी कम है दोस्तों, तो हम इसमें एक बार स्पीकर चेक करेंगे। देखिए चार्जिंग भी ले रहा है फ़ोन, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं इसका स्पीकर चेक कर रहा था और इसका स्पीकर बिल्कुल सही हो गया है। मैं आपको स्पीकर चेक करने का एक कोड बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखिए। सो अगर आपको मान लीजिए स्पीकर चेक करना है तो आपको डायल करना होगा, देखिए आपको डायल करना होगा, अगर आपको स्पीकर चेक करना है तो आपको डायल करना होगा *#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 
कोड है वो है *#*#6484 *#*#, और फिर आपको रिसीव में जाना है और आपको सुनना है। और देखिए मेरे को पूरी आवाज आ रही है, मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा बट मेरे को पूरी आवाज आ रही है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि मेरी पावर आईसी जो मैंने रिवॉल्व करके लगाई थी वो बिल्कुल सही है और मेरा काम बिल्कुल हो गया है। और आई होप कि इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करें। आज मैंने मैं बता देता हूँ ये क्या किया मैंने आज। आज रेडमी नोट 5 था मेरे पास, रेडमी नोट 5 प्रो। इसमें फॉल्ट ये था कि इसमें ईयर पीस में आवाज़ नहीं आती थी, तो पहले मैंने उसकी ट्रेसिंग की। मेरे पास इसका सर्किट डायग्राम नहीं था दोस्तों, और सच बताओ बिना सर्किट डायग्राम के ट्रेस करने में मज़ा बहुत अलग है। और मैंने चेक किया, मुझे इसमें हाफ लीकेज नहीं मिला। जैसे मैंने पहले बोला था मुझे लीकेज मिलता है तो मैं पावर आईसी को चेंज करता, मैं डायरेक्ट पावर आईसी को चेंज करता, पर मैंने पावर आईसी को चेंज नहीं किया। यहाँ मैं पावर आईसी को रिवॉल्व किया और ये मेरे सर्किट के नॉलेज के कारण। अगर मैं मान लीजिए मैं सीधे चेंज कर देता तो मैं सही पावर आईसी को भी मैं वेस्ट हो जाती मेरी। तो यहाँ मैंने पावर आईसी को रिवॉल्व किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो वोल्टेज नहीं बना पा रही है और वो रिसीवर डायरेक्ट ऑडियो आईसी से कनेक्ट होती है और यहाँ ऑडियो आईसी इसकी पावर आईसी है, मेन पावर आईसी। सो मैंने पावर आईसी को रिवॉल्व किया, लगाया, सेट वन टाइम ऑन हुआ और मेरा रिसीवर भी ऑन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बुट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आज की कंडीशन है मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं, बिना डेड रिक्स के जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेशेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं, अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे,
उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये MMC करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर हमारे को IC रिवॉल्विंग वगैरह जो MMC है सब कुछ हम यहाँ पर। ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6-7 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब सेक्शन, कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चल रहा। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज मैं देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है, कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको सुना जाए, तो मैंने फिर
रेडियो देखा और यहाँ पे आया तो सर टेलीकॉम को चुना तो आप सेटिस्फाइड हैं सर 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर आई को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल बुक कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.